हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बायोलॉजी। माय सेल्फ आरडी रमेश। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज मोर हेल्पफुल फॉर नीट एस्पिरेंट्स एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, दिस नोट्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनसीईआरटीज एंड सम रेफरेंस बुक्स एंड सम पॉइंट्स आल्सो टेकन फ्रॉम और स्पेशल नोट्स। प्लीज मस्ट सी कंप्लीट वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो व्हाट इज रेस्पिरेशन। देन रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल एक्सर्गोनिक प्रोसेस। व्हाट इज बायोकेमिकल? बिकॉज इन रेस्पिरेशन डिफरेंट एंजाइम्स एंड केमिकल्स आर इन्वॉल्व। We can say it is a biochemical process and exergonic process, because after respiration energy is released, so it is known as exergonic process. In next point, in respiration with the help of O2 breakdown of glucose occurs. It means simply, in respiration, breakdown of glucose molecules occur. In respiration, glucose molecules breakdowns. Next point, the breakdown of glucose for energy is catabolic process. Why we can say respiration is a catabolic process? Because for energy, glucose molecule is breakdown. So it is known as catabolic process. And photosynthesis is anabolic process. Respiration is a catabolic process. Next point, in respiration, O2 rich air is inspired. In respiration, O2 rich air is inspired and CO2 rich air is expired. One special point we should know, ki all living organism needs O2 for their inspirations and releases CO2, including plants, all because plant is also a living organism. Next point, universal toxic substance ke baare mein agar baat karenge, then CO2 hota. Universal toxic substance is CO2. Discussion karte time apne dimag mein ek aur points aana chahiye ki हमारे स्किन से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके एक स्किन, जो उनकी स्किन होती है, उससे भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। बट अपन क्यों नहीं, ह्यूमन बीइंग अपने स्किन से रेस्पिरेशन क्यों नहीं कर सकता? देन वी शुड नो अबाउट दिस पॉइंट कि ह्यूमन स्किन सरफेस एरिया इज ओनली अप्रॉक्स 16 meters square, बट द सर्फेस एरिया ऑफ लंग्स और एल्विओलाई इज अबाउट 70 to 100 meters square. So more the surface area of lungs as compared to our skin, so the lungs is more favorable for the respiration in human being. This special point you should know. Next, respiration involved in following steps. Respiration is involved in following steps, not a single step. Respiration involved in following स्टेप। क्या क्या स्टेप है वी आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। प्लीज सी और वॉच केयरफुली। फर्स्ट, ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। इट मीन्स इंस्पायरेशन। जो इंस्पायरेशन अपन कर रहे थे, रिस्पिरेशन में टू मेन कंपोनेंट है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सपायरेशन इज एक्सर्शन ऑफ एयर। देन फर्स्ट पॉइंट इज ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, इट मीन्स इंस्पिरेशन। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर इंस्पायरेशन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस में क्या, मेनली O2 एंड CO2 एट एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन लेवल पे डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फर्स्ट पॉइंट इनहेलेशन या ब्रीदिंग आर पल्मोनरी वेंटिलेशन, इट मीन्स ऑक्सीजन या एयर इंसर्ट इन आवर लंग्स। देन चेंजिंग ऑफ O2 एंड CO2 एट एल्वियोलर लेवल, मतलब ब्लड में जो CO2 रिच ब्लड है
वो उसमें से जो हमारे एल्वियोलर में ब्लड होगा थोड़ा बहुत उसमें O2 रिच है, तो इन दोनों में इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। सिंपल सी बात, मतलब जहाँ O2 कम है वहाँ पे O2 ज़्यादा जाएगा, जहाँ CO2 कम है वहाँ पे CO2 ज़्यादा जाएगा, सिंपल। उसके बाद ब्लड में हमारा O2 ज़्यादा एक्सेस में आ गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। जो ब्लड हमारा होता है टिश्यूज के पास जो ब्लड लेके जा रहा है उनके बीच में भी यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए, मतलब कि क्योंकि ब्लड में हमारा O2 ज़्यादा है, टिश्यू में CO2 ज़्यादा है, तो टिश्यू में से CO2 जो हमारा ब्लड में आएगा, जबकि ब्लड में से CO2 कहाँ पे जाएगा टिश्यू के अंदर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीजेज ऑफ CO2। सिंपल सी बात है, लास्ट में टिश्यू को अगर हमारा O2 रिच एयर मिल गया तो उससे यूटिलाइज करेगा, अपना एनर्जी कंज्यूम करके कैटाबॉलिक प्रोसेस करेगा, उससे जो रिलीज मेटाबॉलिक उसका वेस्ट होगा CO2 उसको क्या करेगा फिर अगेन ब्लड में रिलीज कर देगा। ठीक है, एक और पॉइंट अपन देखते हैं इसमें कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये सवाल नीट में भी कई बार आया है कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें हमको देखना कि उसमें रिस्पायरेशन कैसे होता है। देखिए जो इंसेक्ट हमारे पास है, जो हमारे पास इंसेक्ट होते हैं इनमें जो इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो ट्रैकियल ट्यूब होता है, आप ट्रैकिया भी बोल सकते हैं। तो आपके नीट पे सवाल आया भी कि इंसेक्ट में रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आप बोलेंगे ट्रैकियल ट्यूब्स। गिल्स में बोलेंगे तो इसको एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स मोलस्क्स एंड फिशेस। क्या बोलेंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स मोलस्क एंड फिशेस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लंग्स किस में होगा? सिंपल से बर्ड्स में होगा, रेप्टाइल्स में होगा, मैमल्स के अंदर ह्यूमन भी आ जाते हैं, तो बर्ड्स रेप्टाइल्स ह्यूमन मैमल्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के थ्रू हमारा रिस्पायरेशन होता है, जबकि गिल्स के थ्रू एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मोलस्क का फिशेज में होता है। ट्रेकियल ट्यूब्स या ट्रेकियल सिस्टम जो होती है इंसेक्ट के अंदर ऑलवेज पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन के थ्रू किसके अंदर रिस्पायरेशन होते हैं, तो हम इसके लिए बोलेंगे अर्थवार्म और फ्रॉक्स। किसके अंदर? अर्थवार्म और फ्रॉक्स के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन के अंदर रिस्पायरेशंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल बॉडी सरफेस के बारे में, जनरल बॉडी सरफेस के बारे में बात करेंगे, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट और फ्लैट वार्म, स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट फ्लैट वार्म्स के अंदर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनका रिस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। सिंपल सी बात है, रिस्पायरेशन के दो कंपोनेंट, एक तो रिस्पायरेटरी ट्रैक मतलब रिस्पायरेटरी पाथवे होगा, दूसरा हमारे लंग्स होगा। यही दो मेन हमारे पास कंपोनेंट है, यही दोनों को पता रहना चाहिए। ठीक है, नोज, अब हम ये देखते हैं कि पाथवे कैसे हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या पास। सबसे पहले अगर नोज से बात करें, एयर ले रहे हैं, नोज से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आता है, वेस्टिबुल रीजन आता है, फिर नाजल चैम्बर या नेजल चैम्बर आता है, फिर इंटरनल नेरिस आएगा, फिर नेजो फेरिंग्स आएगा, इसके बाद क्या नेजो फेरिंग्स आएगा, उसके बाद फेरिंग्स आ गया। मान लो मुँह से अगर हमारा एयर आता है तो माउथ से ओरल कैविटी में, ओरल फेरिंग्स में, ये भी कहाँ पे फाइनली ओपन होता है, फेरिंग्स में। तो हम ये कह सकते हैं फेरिंग्स जो होता है कॉमन एरिया होता है। क्या होता है? फेरिंग्स इज ए कॉमन स्पेस होता है फॉर फूड एंड एयर। सिंपल सी बात है, फेरिंग्स हमारा क्या कॉमन एरिया होता है फॉर फूड एंड एयर के लिए फेरिंग्स जो हमारा एक कॉमन एरिया होता है, फेरिंग्स कॉमन एरिया किसके लिए? फूड। अब देखिए जो फेरिंग्स से दो पाइप नीचे आती है, एक आगे की तरफ पाइप आती है उसको तो वेंट्रल साइड कहते हैं, पीछे की तरफ आती है उसको डॉर्सल साइड के कहते हैं। पीछे वाली पाइप को फूड पाइप कहते हैं, आगे वाली को विंड पाइप कहते हैं या एयर पाइप कहते हैं। जो ओपनिंग होती है एयर पाइप या विंड पाइप ग्लॉटिस कहते हैं, और फूड पाइप की ओपनिंग को गुलेट कहते हैं। जो गुलेट या ओपनिंग फूड पाइप डॉर्सली प्रेजेंट है, जबकि ये ग्लॉटिस या विंड पाइप वेंट्रली प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ग्लॉटिस जो हमारी होती है उसके नीचे थोड़ा सा खुलती होगी लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स काफ़ी अच्छा पॉइंट हमारा पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पार्ट में। लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया आती है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया ब्रोंकियल ट्री आती है, और लास्ट में रिस्पायरेटरी ट्री आ जाती है। इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं कि ब्रोंकियल ट्री के कितने पार्ट है, फिर रिस्पायरेटरी की, यहाँ तक तो कॉमन पार्ट है। यहाँ तक ट्रैकिया के अंदर आने के बाद ट्रैकिया फिफ्थ पोजीशन पे, दो पार्ट में फिफ्थ पोजीशन, इट मींस फिफ्थ थोरैसिक वर्ट्री पे, वर्टिब्री पे ट्रैकिया जो हमारे दो पार्ट में डिवाइड, प्रिंसिपल और लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियल में डिवाइड होती है। तो ट्रैकिया से ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री में कितने पार्ट हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई या
सेगमेंटल ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर ये जाके फिर खुलता है किसमें, रिस्पायरेटरी ट्री वाले पार्ट के अंदर, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट के अंदर खुलता है, एट्रिया के अंदर, एल्वियोलर सैक, और फाइनली एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है यही मेन एल्वियोलाई के अंदर अगर बात करें, यही मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अगर आपसे कोई पूछे कि लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में, हमेशा आप यही बताएंगे कि लंग्स का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है वो एल्वियोलाई होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लंग्स के बारे में एक पॉइंट अगर देखना कि पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी ले आएंगे, उस सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे लंग्स को अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि नेजल पैसेज जो होता है वो कितने पार्ट में मेनली डिवाइड है, मेनली तीन पार्ट में डिवाइड है, एक वेस्टिबुलर रीजन होता है, रिस्पायरेटरी रीजन होता है, और तीसरा ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा बार बार कि मैं किस टाइप की इसमें एपिथेलियम होती है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो मेनली आप बोलो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है, लेकिन अलग अलग पूछेंगे तो मैं इसे बोलूँ कि वेस्टिबुलर रीजन के अंदर जो हमारा स्किन हेयर्स सीबेसियस ग्लैंड, क्या क्या स्किन हेयर्स एंड सीबेसियस ग्लैंड आते हैं वेस्टिबुलर रीजन के अंदर। रिस्पायरेटरी रीजन के बारे में बात करेंगे, PSCCGE, इसको 100% याद होना चाहिए, नीट में एक दो बार सवाल भी आया हुआ पे कि बोलेंगे फुल फॉर्म क्या है इसका, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथीलियम। लास्ट 12 फैक्टर रीजन होते हैं, न्यूरो सेंसरी एपिथीलियम या ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। ये अच्छे से पढ़ाएगी, आप ढंग से इसको पढ़ें, रिवाइज करें। इनके जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, सारे नोट्स हमारे पेज फेसबुक पेज है क्रिएटिव बायोलॉजी नाम से, उस पे हम सब अपलोड कर देते हैं। आप फेसबुक पे जाएं, उस पेज को सर्च करें क्रिएटिव बायोलॉजी, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल है। आप पेज को लाइक करके फॉलो करके आप सारे नोट्स वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू। इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट लेकर हम आएंगे, उसमें और अच्छे से लंग्स को एलैबोरेट करेंगे। थैंक यू।